अब बेचारी फाल्गुनी को सुयश निकाल चुके हैं घर से, तो अब वो अपने घर में आ गई है, अपने मायके में वापस आ गई है और बहुत दुखी है। लेकिन उसके साथ अब बिट्टू है, क्योंकि वो जान जाती है कि सच क्या है, इसलिए अब फाल्गुनी के साथ बिट्टू है, जीनू चाची हैं, तो दोनों उसका सपोर्ट सिस्टम है अभी। तो बस वही हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए कि उत्तरा देवी का असली चेहरा सबके सामने लाया जाए। रिपोर्ट का क्या माजरा, हाथ में कोरे कागज लग गए लेकिन। हाँ, मतलब ये उत्तरा देवी ने बहुत अच्छी चाल चल ली है। जब हम गोवा गए थे, एक्चुअली गोवा जाने से पहले मैं जीनू चाची को ये रिपोर्ट्स देके जाती हूँ। ये बेसिकली ये डीएनए रिपोर्ट्स है जिससे साबित हो जाता है कि उत्तरा देवी ने खून किया था, मर्डर किया था। तो अभी वो मेरे पास थे तो मैंने उत्तरा देवी सॉरी जीनू चाची को दे दिए थे कि आप संभाल के रखिए, मैं गोवा जा रही हूँ, वापस आ के लेती हूँ। और जब मैं वापस आई हूँ तो मैं देखती हूँ तो वो रिपोर्ट्स चेंज हो चुकी हैं, पर मुझे पता है कि ये किसने करवाया होगा ऑब्वियसली। तो वो फ़ायदा उठाती हैं ये कि शोम जी से चेंज करवा देती हैं। हम गोवा में मस्ती कर रहे हैं लेकिन वो तब तक अपना काम करवा चुकी हैं शोम जी से, तो शोम जी ने ये चेंज की है रिपोर्ट्स। असलियत जानने के बाद वो तो पता नहीं कब जानेंगे वो, क्योंकि वो इतने अंधे हैं अपनी माँ के प्यार में कि वो मतलब फाल्गुनी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। उनको दुख तो बहुत है कि उनको यही लग रहा है अभी तक भी कि फाल्गुनी ने गलत किया है। सो ही इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन। तो अभी देखो क्या होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी जो असली माँ मतलब माँ है वो ही कल्प्रिट है। उत्तरा देवी का सच्चाई सामने लाने के लिए क्या तरकीब सोचेगी फाल्गुनी? अभी ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या करूँगी, तो देखूँगी। अभी वही हम प्लान ही कर रहे हैं, मैं, जीनू चाची और बिट्टू, कि क्या किया जाए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका असली चेहरा सबके सामने आए। थैंक यू। थैंक यू।